ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମତିଗଞ୍ଜ ବଜାର ସ୍ଥିତ ହଜରତ ବଡ଼େଖାନ ଗାଜୀ ପୀର ବାବାଙ୍କ 85ତମ ବାର୍ଷିକ ଉର୍ସ ଉତ୍ସବ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 12, 13 ଏବଂ 14 ତାରିଖ ବାବାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ବାବାଙ୍କ ଗୋସାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶିରିଣୀ ଫାତିଆ କରିବା ସହ ଚାଦର ଚଢ଼ାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦିବସବ୍ୟାପୀ ସବିନା ପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶିରିଣୀ ଏବଂ ଲଙ୍ଗର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ନାତିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଲଙ୍ଗର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜନେତା, ସମାଜସେବୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇଚାରାର ନିଦର୍ଶନ ଏଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଉର୍ସ କମିଟିର ସଭାପତି ଶେଖ ମେହରାଜ, ସମ୍ପାଦକ ଶେଖ ରିଆଜୁଦ୍ଦିନ, ଜୁଲଫୁକାର ହୁସେନ, ଶେଖ ଇମ୍ରାନ, ଶେଖ ବବର, ଶେଖ ଜୟବ, ଶେଖ ବାବିଲି ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। हम आज आए थे बड़े खान गाजी बाबा सुहेलपुर अलैहि रहमत व रिजवान के उर्स में। अभी गुसल का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, अब इसके बाद असर के बाद कुल का प्रोग्राम होगा। चादर पोशी और लंगर का सिलसिला जारी है। बड़े खान गाजी बाबा एक कदीम अल्लाह के वली हैं, जो इस इलाके में इस्लाम की तबलीग व इशाअत, अमन व शांति के लिए आए थे। और पूरी ज़िंदगी आपने अमन शांति के पैगाम लोगों को दिया। तो हम लोग औलिया कराम से मुंसलिक हैं, उनसे वाबस्ता हैं। यहाँ से यही पैगाम हर धर्म हर मज़हब के लिए जाता है, अमन और शांति का। तो मैं अमजद शरीफ औरंगाबाद से आया था इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हाँ, ये तो औलिया कराम का ही मिशन है, भाईचारगी का मिशन ये औलिया कराम का। इसीलिए हम लोग औलिया कराम ही से जुड़े हुए हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया भाईचारगी के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए। जिस इलाके में गए उस इलाके में अमन कायम हो गया, शांति कायम हो गया। तो इन औलिया कराम से जितने लोग वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं, उनका भी यही पैगाम होता है, उनकी भी यही कोशिश होती है कि हर जगह अमन कायम रहे, हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं, कोई भेदभाव ना हो, ना मज़हब का कोई मामला हो, आपस में कोई टकराव ना हो। तो जितने लोग औलिया कराम से जुड़े होते हैं, उनका पैगाम यही होता है कि मोहब्बत से हम सारे लोग एक दूसरे के साथ रहें, सहें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। अस्सलाम वालेकुम, शेख महराज मेरा नाम है, मैं यहाँ के प्रेसिडेंट हूँ बड़ेखान गाजी बाबा का। हम लोग के 3 दिन से उर्स चल रहा था, आज आखिरी दिन हम लोग का है। अभी देख रहे हैं तो बच्चे लोग का नाज शरीफ चल रहा है, 3 दिन से लंगर भी चल रहा था, बस आम लोग का आना भी आ रहा है। अल्लाह से दुआ है कि आप लोग सब साथ दें। हम लोग नया मजा शरीफ का काम है, काम करने वाली है, देखिए मजा शरीफ का हम लोग काम करने वाले हैं, बस आप लोग का सबका साथ चाहिए हम लोग का, बस दुआ में याद रखिए हम लोग को। ये देखिए मजा, ये पूरा मोतीगंज मस्जिद के पास में मजा शरीफ है, बाबा का नाम भी बड़ेखान गाजी बाबा है। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब आते हैं और सब मोहब्बत से आते हैं, इसीलिए मोहब्बत से इनसे इतना लगाव है कि वो लोग नहीं आके रह नहीं पाते। ये 85 साल हो गया हम लोग का, और इंशाल्लाह आप लोग का दुआ अगर रहा तो इंशाल्लाह हर साल उर्स हम लोग इसी तरह मनाते रहेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं बड़ेखान गाजी मज़ार कमेटी की तरफ से, मैं अहले बालेश्वर अहले कमेटी के जितने भी मेम्बरान हैं, जितने भी मेरे मोहल्ले वाले हैं, सबको तहे दिल से मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो कि उन लोग के सबके साथ जो मेरे मिलने से हम लोग कमेटी वाले आज इस उर्स को बहुत ही शान शौकत से मना रहे हैं। और मेरे तहे दिल से गुजारिश है बालेश्वर वाले लोग को, जो कि सब जैसे हम लोग का उर्स आज बुध जुमरा जुम्मा आज जैसा गोसल पा के ख़त्म हो गया, जो कि हम लोग आए थे हजरत आबिदुल कादरी जो कहा के गोसल शरीफ किए, हम लोग उनको भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और सबको तहे दिल से गुजारिश है जो कि आए मजार शरीफ ये उर्स के मौके पे, हम लोग को आके जो अबाबा से फैज लिए उनका उर्स को और थोड़ा अच्छे से मुकम्मल करें। और मैं और एक बार बालेश्वर से और मेरे सभी कमेटी मेम्बर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ
जो आज उर्स को इतना अच्छा से मुकम्मल किए। देखिए आज पीर बाबा 85वां वार्षिक उत्सव, वार्षिक उत्सव आज सुवेलपुर ठार जो अनुष्ठित होती बहुत सुंदर आज माने बाबा जो वार्षिक उत्सव ये हजार हजार लोक आसेश्वर एक भाईचारा सहर जेकोसी पर्व हेले आमे समस्ते मिलमिशी या बहुत धूमधाम पालन करूँ। तेणु से रामनवमी हो कि हनुमान जयंती हो कि बाबा पीर बाबा हो कि मोहरम हो तेणु आम यही भाईचारा भितर समस्ते आज अच्छा तेणु आज जो बाबा वार्षिक उत्सव एथे आयोजन कर आयोजक समस्त भाई मैंने समस्त को मो हृदय धन्यवाद दूँ और आसी एटी बहुत खुशी लगुच सुंदर भाव में बाबा जो जगह ये सुंदर भाव में प्रोग्राम सब चली एवं सबुठ बड़ कथा होची ये जो देखुं आपण ये आई चार भितर जो एटक पुणी रिनोवेशन काम हम से रिनोवेशन आप देखुए ये जो नुआ रिनोवेशन हम तार ड्रॉइंग सरी तेणु मु आशा करी बाबा जो पीठ अच्छी आगामी दिन आहुरी सुंदर सज्जित हो भगवान पाखे प्रार्थना। मेरा नाम है शेख रिजवान कादरी। ऐसे तो हम लोग जानते हैं मेरे हिसाब से यहाँ जो एक लिखा हम लोग देखते बचपन से 1881 मस्जिद और दरगाह बड़े खान गाजी के नाम से, बड़े खान गाजी बाबा के नाम से मस्जिद भी है और उन्हीं का मजार शरीफ है। उर्स 1984 में ये 3 रूम बना था, तब से मेरा नॉलेज है। हम लोग उसी वक्त से इसमें जुड़े और 1984 से हमको पता चला जो बकरीद का आखिरी बुजुमरात को इनका उर्स मनाया जाता है, तो हम लोग वो उर्स में गोसल चादरपोशी लंगर का इंतजाम करते हैं और इंशाल्लाह ये हर साल होता है।